सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका गुरु नानक हियर्स, आपका खुद का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, द लास्ट रिक्वेस्ट। एक्चुअली नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आई फॉर द सेम डिस्कशन, ल्यूपस के बारे में बात करने को रिक्वेस्ट आई। ल्यूपस क्या रहता है? SLE, कॉमनली वी कॉल इट SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, इसका पूरा नाम रहता है। ल्यूपस के ऊपर चर्चा करेंगे, एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्कशन इट विल बी। क्यों दोस्तों? ये ना एक चैलेंजिंग है ये मुद्दा, ल्यूपस का जो ट्रीटमेंट है, कह लें इट इज अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंज एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट लेकिन फिजिशियन के लिए भी जो उसको ट्रीट कर रहा है। कारण क्या रहता है? देखिए दोस्तों, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुरु नानक केयर्स के वीडियोज देख रहे हैं पुराने, लास्ट आई थिंक कोरोना के दौरान भी ना, लास्ट वन हाफ टू टू ईयर्स, कुछ मैक्सिमम जो वीडियोस है ना, वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथनिंग अवर इम्यून सिस्टम। हम अपनी इम्यूनिटी को और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और बेहतर बनाएं, सो दैट वी कैन फाइट द डिजीजेस नेचुरली, है ना। अब ये एक समस्या ऐसी रहती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, एलोपैथी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉमनली कॉल्ड द पेन किलर्स, वो दिए जाते हैं, राइट। क्यों दिए जाते हैं ये सब? क्योंकि ये एक अनोखी बीमारी कह लें, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा खुद का जो सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, हमारी खुद की बॉडी, अवर ओन बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, वी कैन से एंटीबॉडीज एबनॉर्मल बना रही है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है, जिस वजह से ये अपने ही हेल्दी टिश्यूज को टारगेट कर रही है, ये उसको अटैक करता है, खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सिस्टम्स को अटैक करता है। नाउ दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये बॉडी के किसी हिस्से में जाके अटैक कर सकता है, एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व, कैन बी टारगेटेड। तो उस वजह से ना इसके इतने वेयरिंग सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण इतने बेशुमार हैं कि ये पकड़ में डिफिकल्टी से आते हैं, एंड जो सफर कर रहे द पेशेंट इज ऑलवेज देयर टू सफर, वो तो सफर कर ही रहा है लेकिन फिजिशियन के लिए भी एक चैलेंज है। आइए बात करेंगे SLE की, ल्यूपस की बात करेंगे, एंड विद वेरी स्पेशल रेफरेंस टू द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज। देखिए अदरवाइज देयर इज नो क्योर फॉर दिस, लेकिन व्हाई होम्योपैथी इज इंपॉर्टेंट हियर, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां हमारा निशाना रहेगा टू हैव एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहेगी। क्यों? वो आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ना फ्लेयर अप्स जो रहते हैं, इसमें ये इसके कुछ सिम्टम्स लक्षण इस तरह के रहते हैं कि ये आते जाते रहते हैं, कई बार ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाएंगे जब वो सिम्टम्स बहुत हावी हो जाएंगे, वर्स हो जाते हैं, वी कॉल देम फ्लेयर्स या फ्लेयर अप्स, और एट टाइम्स ये सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड हो जाते हैं, जिसको हम रिमिशन के स्टेज बोलते हैं, रिमिशन। तो टारगेट यही रहेगा, जो फ्लेयर अप्स हैं वो कंट्रोल्ड रहे, सिम्टम्स से इंप्रूवमेंट रहे, पेशेंट को आराम रहे, एंड इन द लॉन्ग रन देयर इज इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट। दोस्तों इसमें ना एक और कारण है चैलेंज का, क्यों ये चैलेंज है? क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है ना, दे आर मिस्टेकन फॉर अदर इलनेसेस, इसके सिम्टम्स इतने वास्ट हैं, क्योंकि बॉडी के किसी टिश्यू को ये अफेक्ट कर सकती है ल्यूपस की बीमारी, तो इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं और वो तकरीबन मैच करते हैं और बीमारियों के साथ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ल्यूपस गोज अनडायग्नोस्ड, तो बाकी ट्रीटमेंट्स, इलनेसेस के ट्रीटमेंट चलता रहता है, जबकि रूट कॉज इज समथिंग एल्स, इस वजह से इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट रहता है, इट्स अ रियल चैलेंज। आइए लक्षणों की बात करते हैं, क्या पहचान है कि हमें ल्यूपस है, कैसे पता चलेगा वी आर सफरिंग फ्रॉम SLE। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरह से ही बिगिनिंग होती है, पहचान कैसी होती है, द सिम्टम्स बिगिन विद फटीग। सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लक्षण कैसे शुरू होते हैं। सबसे पहले फटीग रहेगा, फटीग माने तो एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान, ज़रूरत से ज़्यादा थकान, बिना कोई काम किए थकान, फटीग, राइट। पेशेंट को ना बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा, इलनेस का शेप ले लेगा वो, आगे बीमारी का शेप ले लेगी और फीवर के सिम्टम्स आते हैं, बुखार हो जाता है। देन देर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम होते होते ख़त्म हो जाती है, विच लीड्स टू वेट लॉस, वजन कम होना शुरू हो जाता है, अनप्लान्ड वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वजन कम होना शुरू हो गया। दिस इज देन फॉलोड बाय, उसके बाद आएंगे आपके जॉइंट पेन्स, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, सूजन दिखती है, मसल पेन्स होते हैं और टायर्डनेस एक्सट्रीमली स्टेज पे पहुंच जाती है और वीकनेस
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पहुंच जाती है। देन फॉलो द स्किन सिम्टम्स। कई लोगों में स्किन सिम्टम्स पहले आ जाते हैं। स्किन सिम्टम्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें ना एक जैसे चेहरे पे ना फेस पे एक लाल किस्म के चकत्ते जैसे देखो रेड रैश इज अपीयरिंग। इट अपीयर्स मोस्टली एक ना स्पेसिफिक एक फिक्स्ड पैटर्न पे उभर के आता है, दैट इज ऑन द चीक्स और आपका नोज के ऊपर, जस्ट लाइक यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। इसे हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं, जिस तरह की शेप देता है ना, इट्स इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है। और इसके और इसमें इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये भी है, ये जो रैश है ना इस पर कोई इट डजेंट हर्ट, इस पर कोई जलन कोई दर्द कुछ नहीं, इस पर कोई इचिंग नहीं है, कोई खुजली नहीं रहती। लेकिन क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, ये जब पेशेंट इस तरह का पेशेंट अगर डायरेक्ट सनलाइट में जाएगा ना तो सूरज की किरणों की वजह से ये और डार्क हो जाएगा, ये रैश और बिगड़ जाता है। इसके अलावा और भी स्किन के सिम्टम्स रहते हैं लाइक अदर स्किन सिम्टम्स। इसमें ना कैल्सिनोसिस हो जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम ना जमना शुरू होता है त्वचा के नीचे अंडर द स्किन, वी कॉल इट कैल्सिनोसिस। फिर वैस्कुलाइटिस है, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जो अंदर है ना उनमें ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। पिटी की एक टर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी हिमाटोमा के वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर। प्लेटलेट्स जब जैसे बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं ना तो रेड रेड स्पॉट्स पूरी बॉडी में कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, पिटिके वी कॉल दैम, और ये कैन लीड टू हेमाटोमास, ठीक है। दोस्तों एलोपेशिया देखा गया, हेयर लॉस एक स्पेसिफिक पैटर्न में शुरू हो जाता है इन ल्यूपस पेशेंट्स, और जो SLE के पेशेंट्स हैं तकरीबन 1/3 ऑफ दैम उनमें नेफ्राइटिस के केसेस देखें, द किडनी इन्फेक्शंस आर देयर, द किडनीज आर डैमेज, द किडनीज आर अफेक्टेड, इवन हार्ट के जैसे ना कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी देखे गए इन SLE पेशेंट्स, उसमें पेरिकार्डाइटिस इज द प्रोमिनेंट वन। पेरिकार्डाइटिस के ऊपर अलग से डिस्कशन है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑन हार्ट प्रॉब्लम्स कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। पेरिकार्डाइटिस है, उसमें वैल्वर इनसफिशियंसी है, वाल्व्स में कहीं लीकेज सिकुड़ जाती हैं वाल्व्स, नाउ दैट अंडरलाइंग कॉज कुड बी अ ल्यूपस। अच्छा फिर एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। अनदर थिंग, ल्यूपस कैन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है इस वजह से, ठीक है। एंड द पेशेंट कैन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं और कंट्रोल ना किया गया द पेशेंट कैन लीड इनटू डिप्रेशन। तो दोस्तों वाकई में है ना एक चैलेंज पेशेंट के लिए, तो डिफिकल्ट है ही है, इवन द फिजिशियन हु ट्रीट्स द सच पेशेंट्स उसके लिए भी एक चैलेंज है। इसलिए ना इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो कुड बी पॉसिबल कि ये कारण हो सकता है, इट कुड बी अ ल्यूपस कॉज ऑफ ल्यूपस इनसाइड, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की बात करें उसमें ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, लाइफस्टाइल चेंजेस लानी पड़ेंगी। सेकेंडली डायरेक्ट सनलाइट को हम अवॉइड करें, ठीक है, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। एंड थर्ड इज डाइट, डाइट चेंजेस आर टू बी इन्वॉल्व्ड, और देन कम टू होम्योपैथी। अच्छा इसका थोड़ा कारण समझें, अगर कॉजेज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन, क्यों ये इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, क्यों एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स आर देयर, जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं, द जीन्स दैट आर लिंक टू द इम्यून सिस्टम दे कैन गेट म्यूटेटेड, या उनमें वेरिएशंस हो सकती हैं। सो जेनेटिक फैक्टर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, ठीक है। सेक्शुअल हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं, अगर दैट कैन ऑल्सो लीड टू ल्यूपस। देन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, दे कैन एक्ट एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो रहा है बार बार, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में एक्सपोजर, लंबी देर काम कर रहे हैं पेशेंट्स इन स्ट्रॉन्ग सन, दैट कैन बी अ ट्रिगरिंग फैक्टर। कोई केमिकल्स के साथ एक्सपोजर हो गया बंदे को, दैट कैन ट्रिगर SLE। तो ये कई कारण रहते हैं विच कैन लीड टू ल्यूपस। आइए होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले डायग्नोस कैसे करें ये भी समझें, शायद डायग्नोसिस के ऊपर खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे किसी वीडियो में, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, क्योंकि वेरिंग सिम्टम्स है ना तो डायग्नोस कैसे करें, वैसे जैसे दे आर मिस्टेकन फॉर अदर इलनेसेस, दे आर स्पेसिफिक टू वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट, ANA इज द फर्स्ट टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ये जरूर करवाएं,
अगर आपको किसी तरह के लक्षण आ रहे हैं, गेट एन ANA टेस्ट डन. अगर ये नेगेटिव है ना तो वी कैन रूल आउट SLE, ठीक है. और दूसरा है anti-ENA टेस्ट, एंटी एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन टेस्ट. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डायग्नोज SLE. आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं. अब आता है चैलेंज फिजिशियन के लिए. देखिए सिम्टम्स आर वेरिंग, कारण हमें मालूम नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट से ना ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो प्रॉपर केस टेकिंग होनी चाहिए. बिफोर वी अराइव एंड एट एनी पर्टिकुलर रेमेडी, उसकी क्या पोटेंसी देनी है, क्या डोजेज देनी है, फिजिशियन के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिसाइड. लेकिन हाँ, प्रॉपर केस टेकिंग हो, प्रॉपर इसका एनालिसिस हो केस का, ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, उसके हिसाब से डोजेज एंड द रेमेडी इज डिसाइडेड, ठीक है. सेल्फ मेडिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है. सो गिव योर केस टू फिजिशियन सो दैट प्रॉपर इसका डायग्नोस हो सके, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो सके. खैर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करूंगा. आई विल नेम सर्टन रेमेडीज दैट कैन हेल्प अस इन ट्रीटिंग ल्यूपस, डिफिकल्ट ल्यूपस सिम्टम्स. द नंबर वन रामबाण औषधि, अगेन वंस अगेन हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका, हाइड्रोकोटाइल वी कॉल. दोस्तों इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन कहीं है बॉडी में, सेलुलर प्रोलिफरेशन कहीं है बॉडी में, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाइड्रोकोटाइल रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस. ये लेप्रोसी में भी दी जा सकती है, ल्यूपस में भी दी जाती है. लेकिन यहाँ नॉन एक्सीडेंस ल्यूपस हो, ल्यूपस नॉन एक्सीडेंस यानी कि देखिए सिम्टम्स में ना इसमें माउथ अल्सर्स भी रहते हैं, लेकिन अगर ल्यूपस है, सिम्टम्स हैं बट नॉन अल्सरेशन है, देर आर नो अल्सर्स देयर, हाइड्रोकोटाइल इज द ड्रग ऑफ चॉइस. ए मदर टिंक्चर में अवेलेबल है, क्यूब फॉर्म दे सकते हैं और स्मॉल पोटेंशियल डाइल्यूशन फॉर्म, यू कैन बिगिन विद 3C से लेकर 30C तक. अगेन देखिए वेरिंग ऑन द सिम्टम्स, सिम्टम्स लक्षण बहुत वेरी करते हैं, उसके आधार पर पोटेंसी का चयन किया जाएगा, लेट द फिजिशियन डिसाइड, बट अनडाउटेडली हाइड्रोकोटाइल रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट ल्यूपस डिसऑर्डर्स. वेल फ्रेंड्स, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, द मास्टर मेडिसिन अगेन आर्सेनिक एल्बम. यहाँ याद रखें ल्यूपस अगर है और साथ में अल्सरेशन है, ल्यूपस एक्सीडेंस वी कॉल है ना, तो आर्सेनिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस. स्किन पे कहीं अल्सरेशन रहेगी विद ऑफेंसिव डिस्चार्जेस रहते हैं बॉडी के किसी हिस्से में, सो स्किन सिम्टम्स आर वेरी प्रोमिनेंट हेयर. तो ल्यूपस के केस में आर्सेनिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. और यहाँ भी याद रखें जैसे ना अगर तो इनसाइड द किडनी डैमेज इज देयर, अगर किडनी के सिम्टम्स हैं साथ में और अगर ऑर्गेनिक डैमेज हो रहा है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी. लेकिन अगर सुपरफिशियल दिक्कत रहती है, स्किन के सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इवन इफ द नर्वस सिम्टम्स आर मोर प्रोमिनेंट, तो आर्सेनिक हाई पोटेंसी में दी जा सकती है. अच्छा फिर तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है थूजा, या ना साइकोटिक ग्रोथ एंड साइकोटिक पेन्स वी कैन से, क्योंकि यह जॉइंट एंड मसल पेन्स के सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है, उभर के आते हैं ल्यूपस में, तो वहाँ थूजा हम ज़रूर देंगे, ठीक है. तो थूजा वी कैन गिव इन अ हाई पोटेंसी, 1 mg तक दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द गेन द केस टू केस वेरी करती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है पेशेंट की, और हफ्ते बाद या फोर्टनाइटली वी कैन रिपीट थूजा. दोस्तों ये तो थे प्रमुख तीन दवाएँ, द मोर प्रोमिनेंट रेमेडीज इन होम्योपैथी. इसके अलावा और भी, जैसे मैंने कहा ना शुरू में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, सिम्टम्स वेरी करते हैं तो दवाएं चेंज हो जाती हैं. देर आर सर्टन अदर मेडिसिन, एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी दवा है टू ट्रीट ल्यूपस सिम्टम्स, जहाँ इडीमा की सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है, जॉइंट पेन्स रहती है, एपिस कैन हेल्प अस देयर. लाइकोपोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइनल या स्टमक के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस देयर. एसीडम नाइट्रिकम इज अ वेरी गुड रेमेडी टू ट्रीट ल्यूपस एरिथमेटोसस केसेस, ठीक है. सल्फर का अपना रोल है, एंड कैलीबाइक्रोमिकम इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू ट्रीट ल्यूपस पेशेंट्स. तो दोस्तों अपना केस दीजिए फिजिशियन को, डिस्कस करें एंड हैव एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ विद होम्योपैथी दैट ट्रीट सेफली एंड श्योरली. ल्यूपस एक चैलेंज है, मिलके इसका सामना कर सकते हैं पेशेंट्स को, हम सबको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. डू स्प्रेड दिस वर्ड, शेयर दिस वीडियो, जहाँ कहीं आपको ज़रूरत लगती है, द पेशेंट रिक्वायर्स सम इंफॉर्मेशन, डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन. अपना ख्याल रखें दोस्तों, देर आर अदर डिफिकल्ट डिजीज एज वेल, बट फॉर्चुनेटली वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, एनी सजेशन फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन टेक अप इन सेपरेट वीडियो. टेक केयर, गॉड ब्लेस.